Hey guys, welcome back to our channel My Food Kitchen. We are back with our new video. तो भाई इंदौर में अभी हम आ रखे हैं मेघदूत गार्डन में और यहाँ पे काफी सारी वीडियो आपको दिखाने वाले, कम से कम 4-5 वीडियो दिखाएंगे, तो शायद एक या दो पार्ट में वीडियो आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले काव्या दीदी पे, तो अप्पे बनाती हैं, उनके अप्पे ट्राई करेंगे और उसके जाएंगे डांसिंग चाय वाले पे। तो वीडियो में बने रहना, दाल पकवान भी ट्राई करेंगे और बहुत सारे आइटम्स आएंगे। तो यार मिलते हैं वीडियो में। कितने लीटर चलता है इसमें? ये क्या पूरा है क्या? ये इलायची पाउडर, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट मिक्सचर, काजू और काजू बादाम, काजू बादाम
भाई ये हमारी डांसिंग चाय है। देखा भाई मेकिंग आपने देखी होगी क्या वाट्सएप की मेकिंग थी भाई, वैसे ट्राई करके देखते हैं। चाय जो एकदम कड़क है, मतलब यार पूरी दूध से बनी है, पानी वगैरह ऐड नहीं किया गया, आपको पीते ही मज़ा आ जाएगा। इलायची का एकदम कड़क अदरक का फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ गया, एकदम रिफ्रेशिंग है चाय। और थके हुए तो ट्रेन से आने के बाद पर एकदम सारी नहीं जुड़ गया हमारी चाय पी के। फास्ट फूड और यहाँ पे मिलते हैं इनके बहुत डिफरेंट टाइप्स के अप्पे, तो हम तो शायद चीज़ अप्पे लेंगे। और ये उज्जवल फूडी सामने बैठा हुआ है और श्री के दाल पकवान बिल्कुल इनके साइड में ही है। और ये पिज़्ज़ा बाटी वाला है, इसको भी ट्राई करेंगे अभी हम। अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करने को बोल रहे हैं, तो उसके यहाँ पर आपको मेकिंग दिखाना शुरू करते हैं। थोड़ा आप बताते रहो अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। ये पेस्ट में क्या क्या चीज़ें ली होती है? सर ये अप्पे का बेटर है, ये राइस सूजी और दाल तीनों से मिलके बना होता है। इसके अंदर स्टफिंग होती है कॉर्न की, पनीर की, वेजेस की एंड चीज की। और ये कितने टाइप के अप्पे मिलते हैं अपने पास? हमारे पास 7 से 8 वेराइटी है, पर बता दो कौन कौन से हैं। कॉर्न है, कॉर्न प्लस पनीर है, वेजेस है, मिक्स है, चीज मिक्स में है कि स्पेशल अप्पे। और प्राइसेस क्या रहते हैं? सबके अलग अलग प्राइस है, 40 से लेके 80 तक के, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशल है वो चीज मिक्स अप्पे है। टाइमिंग क्या रहता है शॉप का? हमारा टाइमिंग है 2 बजे से लेती है रात को 12 बजे तक। चीज बाद में मिलेगी। एक प्लेट में कितने पीस आएंगे? एक प्लेट में 6 पीस आते हैं। पर हमारे यहाँ जो फेमस है वो चीज़ भी कम है, चीज़ मिक्स है, स्पेशल भी है सर। एक ही ऊपर में सारी वैरायटी आती है, प्लस मेरे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चलता है वो। अभी कितना और टाइम लगेगा इसको? सर मात्र 2 मिनट। तो बन गया। रेडी हो आपने एक प्लेट में दिया थे आधा बटर दिखता आधा आ रहा है? हाँ जी। क्या भी अमूल चीज़ हमारे यहाँ क्वालिटी यूज़ की जाती है सर, अमूल चीज़ प्लस अमूल बटर, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। एक बार टेस्ट करोगे आपको खुद पसंद आएगा। इसको उठा सकते हो, बिल्कुल भी एंगल नहीं आ रहा।
तो लोडेड कर दिया आपने एकदम चीज से। ये हमारी चटनी रहती है, बहुत स्पाइसी है, होममेड है। चटनी सारी होममेड होती है? कोकोनट की चटनी, ये भी होममेड, ये भी होममेड, सारी चीजें होममेड है सर। हमारे हर चीज घर से रेडी होती है। हमारे चीज भी सब रेडी। एक मिनट ऐसे हाथ में रखना। तो गाइज़ ये अपने आप पे बन के तैयार हो गए, ये देखो यार चीज़ अप पे। बाकी ये इनकी शेजवान चटनी है, तो उन्होंने घर पे खुद बनाई है, नारियल की चटनी है। हर चीज़ अप पे आपने पहले कभी ट्राई करें नहीं करें मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बाकी यार ये देखो बढ़िया वर्क होगा, मतलब इंदौर में आके तो ट्राई करके देखते हैं। भाई दीदी ने बताया चटनी बहुत स्पाइसी है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा लगा ली, तो ट्राई करके देखते हैं। भाई चटनी है, बोलती बंद हो गई। सही में भाई बोलती बंद हो गई। चटनी जो है ना इतनी स्पाइसी है, सही में चटनी बहुत स्पाइसी है। बाकी यार देखो इसकी फिलिंग, इसके अंदर बहुत सारी वेजेस डाल रखी थी, कॉर्न, प्याज, टमाटर, पनीर, एकदम क्रंची है खाने में, ऊपर से चीज़ डाल रखा है। भाई चटनी खा लोगे ना दीवाने हो जाओगे, और पूरी चटनी होममेड है, खा के आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल टेस्ट है इसका, मज़ा आ गया खा के। ये पर कोकोनट वाली चटनी भी ट्राई करके देखते हैं। मैं प्योर कोकोनट का टेस्ट आएगा आपको कोकोनट चटनी में, जैसा आप नारियल छीलते हो ना खाते हो सेम वैसा टेस्ट मिलेगा चटनी के अंदर। यह टेस्ट नो डाउट बहुत बढ़िया। बाकी अभी प्लेट से देख सकते हो पूरी भरी हुई है, हमने इसके अंदर 12 ले रखे हैं क्योंकि हमने शूट के लिए 2 प्लेट बनवाई थी, आपको 6 मिलेंगे प्लेट के अंदर। और तो हमने कैबेज दीदी के आप पे ट्राई करें, तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे।